In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Lovely students and my worthy viewers, assalamu Alaikum, Warahmatullahi wabarakatuh. As you know, that I often start my lecture with the beautiful poetry of beautiful poet. So today in, I am going to start my lecture with the, once again a beautiful poet of sin, Shabilti Bhattai He says, "Tu Habib Tu Tabib, to Dawa." तू हबीब तू तबीब तू दर्द जी दवा जानिब मुझे जी में आजार जा अनवा साहिब दे शिफा मिया मरीजन के सो दिस वाज द ब्यूटीफुल पोएट्री ऑफ ग्रेट पोएट ऑफ सेंट शाबरती बटारे मतलाले आफ्टर दिस ब्यूटीफुल लाइन वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू मेनी एंगल्स ऑफ वर्ब टू हैव मेनी एंगल्स ऑफ वर्ब टू हैव आज के टॉपिक का ताल्लुक है एक वर्ब से और उस वर्ब का नाम है टू हैव वर्ब और जैसा कि आपको टॉपिक भी बता रहा है कि टू हैव वर्ब के हैव वर्ब के बहुत से पहलू मुख्तलिफ पहलू या बहुत से पहलू ठीक है मेनीफोल्ड का मतलब होता है कि बहुत से डिफरेंट या बहुत से ठीक है सो एंगल नंबर वन ऑफ टू डे इस टॉपिक मैनी फोल्ड एंगल्स ऑफ वर्ब टू हैव इज यूज इन देंस ऑफ टू ईट यानि के खाना टू ड्रिंक यानी के पीना टू टेक यानी के लेना टू स्मोक यानि के कोई तम्बाकू नोशी का इस्तेमाल करना या सिगरेट वगैरह का पीना ठीक है इन एंगल नंबर वन दिलेटेड टू वर्क टू है सेंस ऑफ टू ईट टू ड्रिंक टू टेक और टू स्मोक कम टू इट्स एग्जाम्पल चले इन इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं एग्जाम्पल नंबर वन आई हेड ब्रेकफस्ट एट एट एम टुडे आई रिपीट आई हैड ब्रेकफस्ट एट एट ए एम इसका मतलब यह हुआ कि आज सुबह आठ बजे मैंने नाश्ता खाया या किया देख लो यहां पर लिखा हुआ है टू ईट का मतलब है खाया ठीक है लेकिन अगर हम इसको अच्छी उर्दू में कहना चाहें ठीक है ना मेरे नाश्ता खाया ये भी हम कह सकते हैं इसमें मतलब कोई मजायका नहीं है लेकिन जो इसकी अच्छी उर्दू बनेगी ना वो बनेगी कि आज आज आठ बजे या आज सुबह आठ बजे मैंने नाश्ता किया आज सुबह आठ बजे मैंने नाश्ता किया या कह सकते हैं कि आज सुबह आठ बजे मैंने नाश्ता खाया वो हम पर डिपेंड करता है कि हम मतलब जिस जिस तरह भी उसको लेकिन मतलब थोड़ा सा मुनासिब जो लगेगा ना उर्दू में वो होगा कि आज सुबह आठ बजे मैंने नाश्ता किया ठीक है आज सुबह आठ बजे मैंने नाश्ता किया कम टू इट्स सेकंड एग्जाम्पल दैट विल बी यूज इन द सेंस ऑफ टू ड्रिंक ठीक है शी विल हैव टी एट हर अंकल्स आई रिपीट शी विल हैव टी एट हर अंकल्स इसका मतलब यह होगा कि वो चाय अपने चचा के घर पिएगी इसका मतलब ये हुआ उर्दू में कि वो चाय अपने चचा के घर पिएगी अच्छा आप लोगों के जहन में यह होगा कि इसमें घर तो है नहीं बेटा ये अंकल से मुराद हो ठीक है ना ये लिखा हुआ अंकल्स और देख लें ई के बाद अपोस्टाफी एस इस्तेमाल हुआ ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ सेंस जो हमारा है ना सेंस इससे निकलेगा कि वो अपने चचा के घर ंकल्स का मतलब हो, होगा अपने चच्चा के घर ठीक है सो शी विल हैव टी एट हर अंकल्स वो अपने चचा के घर चाय पिएगी ठीक है बेटा ओके कम टू एग्जाम्पल नंबर थ्री रिलेटेड टू एंगल नंबर वन यू हैव हेड मोर टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क आई रिपीट व हेड मोर टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क अब देख लें बेटा टू ईट टू ड्रिंक की हम पहले ही मिसाल ले चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं टू टेक की अब हम बात कर रहे हैं टू टेक की ठीक है सो यू हैव हेड मोर टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क आपने इस काम को मुकम्मल करने के लिए ज्यादा वक्त लिया है ठीक है बेटा वट डू यू मीन बाई टू टेक उर्दू में हम क्या कहते हैं लेना ठीक है ना तो so, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि यू हैव हेड मोर टाइम टू कम्प्लीट दिस वर्क आपने इस काम को मुकम्मल करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त ले लिया है या टाइम ले लिया है सही बटम आफ्टर एग्जाम्पल नंबर थ्री वी मूव टू वर्ड्स फोर्थ एग्जाम्पल ठीक एंड दैट इज रिलेटेड टू टू स्मोक टू स्मोक ठीक है वाइल्ड टॉकिंग अस ही हेड अ सिगरेट आई रिपीट वाइल्ड टॉकिंग अस कॉमा ही हेड सिगरेट हमसे बातचीत करते हुए हमसे बातचीत करते हुए उसने एक सिगरेट पिया ठीक है ना वाइल्ड टॉकिंग अस हमसे बात करते हुए उसने एक सिगरेट पिया ठीक है बेटा now we come to another angle of many fold angles of verb to have that is used in the sense of to keep something in a position i repeat in angle number 2 related to verb to have that tells to have is used in the sense of to keep something but i usually come in a short form here एस टी एच इसका मतलब है समथिंग ठीक है एस टी एच का मतलब इन अपोजिशन ठीक है नाउ कम टू इट्स एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर वाई हैव यू हेड योर बेक टू मी आ रिपीट वाई हैव यू हेड योर बेक टू मी इसका मतलब है कि आपने अपनी पीठ मेरी तरफ क्यों की है आपने अपनी पीठ मेरी तरफ क्यों की है ठीक है बेटा ओके नाउ कम टू सेकंड एग्जांपल ऑफ एंगल नंबर टू रिलेटेड टू टू हैव दैट इज़ शी हेड हर फेस टू द मेन गेट आई रिपीट शी हेड हर फेस टू द मेन गेट ठीक है बेटा तो आज आपने देखा कि आज के न्यू टॉपिक में जिसका ताल्लुक था टू हैव से ठीक है उसमें हमने उसके दो पहलू सीखे अच्छा बेटा एंगल का मतलब होता है पहलू ठीक है ना सो वी लर्न टू एंगल्स रिलेटेड टू वर्ब टू हैव वेयर इन आई गेव यू सम एग्जांपल्स एंड मैंने कोशिश की है कि वो एग्जाम्पल्स जो ना बहुत आसान हो ताकि आपको आसानी से वो बात मेरी समझ में आ जाए ठीक है सो ये था आज का लेक्चर जिसमें जो ना हमने uh, एक नया एंगल लिया एक नए वर्ब टू हैव के साथ जो आपके लिए इन बहुत मुफीद साबित होगा क्योंकि मुझे मालूम है कि मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ठीक है बेटा तो उनको मतलब बोलते हुए वाइल टॉकिंग और वाइल राइटिंग ठीक दे मेनी यू नो डिफ़िकल्टीज उनकी मुश्किल को सामने रखते हुए ठीक है उनकी मुश्किल को सामने रखते हुए मैंने जो ना कोशिश की है कि एक, एक नया टॉपिक ले आऊँ और ऐसा टॉपिक ले आऊँ कि अगर मतलब जो व्यूअर्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको अगर बहुत से वर्ड्स ठीक है ना बहुत सी वकीब अगर उनको याद नहीं है तो वो अपना एक ही वर्ब से एक ही वर्ब से जो ना मुख्तलिफ जो ओकेजनस हैं ठीक है वहां पर जो ना वो उसी वर्ब से काम चला ले उस एक वर्ब से ही जो ना बहुत से अपने एंगल्स जो हैं अपने जो मैसेज़ हैं वो अपना मैसेज जो है अपनी बात तक पहुंचा सके तो ये बात जो ना जहन में रखकर जो ना मैंने नए टॉपिक की स्टार्ट की है, तो है वर्ब से और उसके मुख्तलिफ तो आज के लेक्चर में मैंने दो जो ना पहलुओं पर बात की है यू नो लेक्चर आई विल टॉक मोर ऑन दिस टॉपिक एज यूजल आई एन माई टूडेज लेक्चर विद्यूट They would say Rabbi Zidni Ilma O oh my Lord, increase my knowledge, Oh, mere Allah, Meri Ilme Zafakar, O oh Muja Rabbu Muja Ilme Zafakar. These are the final words for today's lecture. Inshallah meeting you soon in next video. Until next video, Assalamualaikum, Alaikum. Bye bye.